आज महाराष्ट्र के अर्थमंत्री ने जो बजट पेश किया है, मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत ही बैलेंस्ड इस प्रकार का बजट पेश हुआ है। इस बजट के माध्यम से महाराष्ट्र को आगे ले जाने के लिए कई योजनाएं सामने आई है, विशेष रूप से खेती किसानी के क्षेत्र को एक सस्टेनेबिलिटी देने के लिए, एक शाश्वतता देने के लिए जिस प्रकार की प्रोविजंस इसमें की गई है वो बहुत महत्वपूर्ण है और इससे खेती किसानी को फायदा होगा और उसमें शाश्वतता भी आएगी। इसके साथ साथ जो हमारे दुर्बल घटक है, वंचित घटक है, उनके लिए भी जो योजनाएं तैयार की गई है, चाहे वो फिर दिव्यांग हो, उनके लिए अनुदान बढ़ाया गया है, दिव्यांगों के लिए विशेष घरों की योजना तैयार की गई है, जो हमारी विधवाएं हैं, परित्यक्ता महिलाएं हैं, ऐसी सारी महिलाओं के लिए जो योजनाएं चलती है उसका अनुदान 600 रुपये से पर प्रति माह 1000 रुपये, 1100 रुपये और 1200 रुपये तक बढ़ाया हुआ है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इनकी जो योजनाएं हैं उनको ज़्यादा निधि दिया गया है। ओबीसी के लिए विशेष रूप से योजनाएं तैयार की गई है। ओबीसी में भी जो अलग अलग घटक है, जो हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा है, ऐसे पारंपरिक उद्योग करने वाले 12 बलूतेदार हैं, इनके लिए भी विशेष व्यवस्थाएं की गई है।